राहुल गांधी के आटे वाले बयान को लेकर काफी मीम बन चुके हैं। खूब मजाक उड़ा कि आटे को लीटर में नहीं तोला जाता है, ना मापा जाता है। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। यह एक गलती थी जिसे राहुल गांधी ने उसी वक्त सुधार ली। जब प्रधानमंत्री मोदी की जुबान फिसलती है तो उनके साथ भी यही होता है, उनकी बातों का भी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन एक रैली को लेकर सारी बातें इसी में खर्च हो गईं। आम लोग करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मीडिया क्यों कर रहा था? क्या इस सवाल पर चर्चा करने से बचने के लिए, जिसके बारे में राहुल गांधी इन दिनों ज्यादा बोल रहे हैं, मीडिया को लेकर उनकी कही गई बातों पर चर्चा क्यों नहीं होती? मजाक इसका भी हो सकता था, मीम इसका भी बन सकता था, मगर इसे छुआ तक नहीं गया। ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है। जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। राहुल गांधी जब भी मीडिया पर बोलते हैं, मीडिया चुप्पी साध लेता है, जैसे आईएएस एसोसिएशन चुप हो जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।